अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधायुक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा लगातार उच्च पद पर प्रमोशन से आए शिक्षकों की जगह अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त भी नहीं किया गया और उनसे लगातार कार्य करवाया गया। वेतन मान के नाम पर शिक्षा विभाग के आला अफसर अधिकारियों द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से उनकी सेवा समाप्त की जा रही है और उनका 5 माह का वेतन मान भी नहीं दिया जा रहा और उनको लगातार धमकियां और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इसी कसमकस में लगातार 15 से 20 दिन से निरंतर संघर्ष करते हुए रहली अतिथि शिक्षक संघ ने सागर में डीईओ अरविंद जैन को ज्ञापन सौंपा और तत्काल निराकरण की बात कही। अन्यथा की स्थिति में अतिथियों ने आत्मदाह के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाने की बात बोली। डीईओ साहब ने मामला तत्काल संज्ञान में लेते हुए कहा कि आप लोगों का बंटन भी आ चुका है और 3 माह का वेतन डीपीआई देगी और बाकी जनवरी फरवरी का वेतन संस्था प्रमुख के वेतन से आहरित कर आप लोगों को दिया जाएगा और जल्द से जल्द आप सभी का वेतन आपके खाते में भिजवाया जाएगा। हम लोग सब रहली से आए हैं, अतिथि शिक्षक हैं और 5 माह का वेतन जो हम लोगों को नहीं मिला है उच्च पद प्रभार के रेगुलर शिक्षक आने से, हम लोग उस वेतन मान की मांग करने आए हैं। अभी क्या आश्वासन आपको यहाँ से मिला? अभी आश्वासन हमको ये दिया है साहब ने, बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में आपकी प्रोसेस हो जाएगी, आप लोगों को वेतन दिसंबर तक का वहाँ से हमने व्यवस्था कर दी है और उसके बाद जनवरी फरवरी का जो रहेगा वो संकुल प्राचार्य और प्रधानाचार्य के वेतन से दिलवाएंगे। आप संतुष्ट हैं आश्वासन से? अब संतुष्ट तो हम लोग ऐसा है कि सर ने अब 2-4 दिन का बोला है तो 15 दिन होगा हम लोगों को दिन रात मेहनत करते हुए, तो 15 दिन जैसे 15 दिन वैसे 1-2 दिन और सही 2-4 दिन। कितने लोगों के साथ ये परेशानी चल रही? ये हम लोग लगभग रहली में 100-150 अतिथि शिक्षक हैं। अगर यहाँ से आश्वासन मिलने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं होती, आपको संतुष्टि नहीं मिलती, तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? तो हम लोग इसके बाद में वैसे तो कदम आज बहुत ज़्यादा उठाना था, सोच लिया था हम लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा पीछे हट गए क्योंकि सर ने आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बाद में हम लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? अजय ठाकुर। इलेक्शन की, विधानसभा इलेक्शन के पूर्व एक आदेश हो गया था कि अतिथियों को बाहर ना किया जाए, ठीक है। उच्च प्रभार की वजह से कुछ टीचर उनकी जगह पहुंच गए थे, तो नियमानुसार तो ये स्थिति है, प्रिंसिपल को अपने विवेक से काम करना था, आदेश कोई भी हो कि यदि किसी पद पर एक टीचर आ गया है तो वहाँ अतिथि नहीं रह सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगली आता तो दिसंबर तक जब तक था तब तक सैलरी उसकी दी जाएगी। बंटन आ गया है, सभी ब्लॉकों भेज दिया गया है, ठीक है, तो उनका भुगतान होगा। उसके बाद इलेक्शन के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है उनको पोर्टल से अलग कर देना चाहिए था और नहीं किया है तो प्रिंसिपल से वो सैलरी प्रिंसिपल अपने खाते से देगा। अगर प्रिंसिपल रखे है पद नहीं होने पर प्रिंसिपल अगर अतिथि रखे है तो उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है, वो प्रिंसिपल उसका भुगतान करेगा। मतलब आपके कहे अनुसार इस पूरे मामले में प्रिंसिपल जिम्मेदार है? बिल्कुल, अगर प्रिंसिपल ने आदेश का पालन नहीं किया, पता पद नहीं है तो क्यों रखे है? विभाग से किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? विभाग से कार्रवाई ये कि हमने जो अतिथि आए थे उनसे बोला है कि व्यक्तिगत रूप से संकुल स्कूल का नाम भेजो, हम शिकायत करो क्या दिक्कत है, उसका नाम पता नहीं है, हम क्या कर सकते हैं।